श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर बिमल जस यो दायक फल च। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश, रामदूत अतुलित बलिदान, अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम भज कुमति नवार सुमति के, कंचन बरन विराज कानन कुंडल कुंज, हाथ वज्र और ध्वजा भी कांधे मूंज जनेऊ, शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजन, विद्यावान गुणी अतिथि राम काज करिवे को, प्रभु चरित सुनिवे कोर राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धरि सिए दिख विक्त रूप धरि लंक, भीम रूप धरि असुर चंद्र के काज, लाइस जीवन लखन जिया श्री रघुबीर से उरल, रघुपति की ने बहुत तुम मम प्रिय भरत सम, सहस बदन तुम रो जस अस कहि श्रीपति कंठ, संकादिक ब्रह्मादि मनि नारद सारद सहित यम को भेर दिख पाल जा, कवि कोविद कही सके तुम उपकार सुग्रीव कीन, राम मिला तुमरो मंत्र भविषण, लंकेश्वर भय सब जग युग सहस्त्र जो जन पर लियो तागी मधुर पर, प्रभु मोद्रिका मेलि सुखम जल्दी लांग के अचर, दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमर, राम द्वारे तुम रख होत न आज्ञा बिनु पे, सब सुख लघुन तुम्हारी चक काहे को, आपन तेज सवार तीनों लोक हांकते भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम नाचे रोग घरे सब जप्त निरंतर हनुमान, संकट से हनुमान जो मन क्रम बचन ध्यान जो, सब पर राम तपस तिनके काज सकल तुम, और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल, चारों युग प्रताप तुम है प्रसिद्ध जगत उज, साधु संत के तुम असुर निकंदन राम, अष्ट सिद्धि नव निधि के असवर दीन जान, राम रसायन तुम सदा रहो रघुपत के, तुमरे भजन राम को पा जन्म जन्म के दुख विष, अंत काल रघुबुर पर जहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चित नाद, हनुमत से ही सरब संकट कटे मिटे सब जो सुमरे हनुमत बल, जय 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 हनुमान।
कृपा करो गुरुदेव, जो सत बार पाठ कर छूटे बंदी मास, जो जय पड़े तुलसीदास सर की जय नाथ हृदय मम, पवन तने संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सी सही हृदय बसो सुर सिया राम चंद्र, राधा भर कृष्ण पवन सुत हनु की, बोलो भाई सब संतन, बोलो भाई सब भक्तन की जय। किसी ने ऐसा लगता प्रसाद ज्यादा क्लियर टंकी लीक हो रही है, आओ अब ये राम जी के चरणों में आए हनुमान जी की कृपा से। श्री राम चंद्र कृपालु भय हरन भव दारुण नव कंचलो कंच कर कंच पद कंदरप अगि अमित शबि नील नील सुंदर पट पीत मान तड़त रुचिषु नोमी जनक बजु दीन बंदनेश दैत वंश निक रघुनंद आनंद कन कौश चंद दशरथ सिर मुकट कुन तिलक उधार अंग भूषण आजानुब सांप संग्राम भूषण अति बदित तुलस दास शंग शेष मु रंजन मम हृदय कंचन कुरु काम खल गल मन जाहि सच मिलहि शोभ सह दर्शन करुणा निधान सुर शील स्नेह जान इहि भांति गौर शीस सुन सहित ही हर्षित अलि तुलसी भवानी पूजे पुनि मुदित मन मन जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर्षु न जाए कही मंजुल मंगल मूल बाम अड़ग फरकन लगे। तो आज गुरुदेव प्रभुपाद कृपा से और हनुमान जी की कृपा से भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता की कृपा से सबकी कृपा से आज नौवें दिन की कथा रामायण की हो रही है। तो नौवें दिन में ग्यारहवां सर्ग जो है उसका वर्णन है। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सब परिवार अंगराज के जहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋषि श्रृंग को अपने घर ले आना, ये आज का प्रसंग है। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए। कौन सी बात?
हरे कृष्ण किसी की भी टंकी लीक कर रहा हूं बाहर जाके लीक करे या अंदर नहीं। आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाई थी। उन्होंने कहा था इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे, उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता, अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे धर्मात्मन मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें, इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी अभिष्ट तुरंत प्राप्त कर लेंगे। राजा के चार पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंद्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया जहाँ विप्रवर ऋषि श्रृंग
निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार कर करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमापाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भलीभांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति से ले ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहाँ से प्रस्थित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ू बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए, तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और धुंधवी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषि श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि के अंतापुर में ले जाकर राजा ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया
और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल आलोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतापुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मगन हो गईं। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषता महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषि श्रृंग के साथ बड़े सुख से रहीं। 12वां सर्ग। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उसी समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग का मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन यज्ञ की सामग्री एकत्रित कराए, भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत्र तुम शीघ्र ही वेद विद्या पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋतवजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव जावाली कश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहे। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूँ। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए
तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने सुमंत्रियों से यह शुभ अक्षर वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म पुण्य पुण्यहा वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है क्योंकि ये विद्वान ब्रह्मराक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसा साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राज राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ जी की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। 13वां सर्ग। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। वर्तमान बसंत ऋतु के बीतने पर या पुनः दूसरा बसंत आया तब तक एक वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन दुज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। क्या कही उन्होंने? ब्राह्मण मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि से ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। श्री गुरु चरण पद्म
श्री गुरु चरण कमल भज रे, श्री गुरु चरण कमल भज मां, श्री गुरु चरण कमल भज मां, श्री गुरु चरण कमल भज मां, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा भज मन भज अनुक्षण, भज मन भज, श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, ब्रह्म तुहूं चौदा भवान, ब्रह्म तुहूं चौदा भवान, किसी को मिलते हैं आओ भाग्य से, किसी को मिलते हैं आओ भाग्य से, हरि भक्तों के दर्शन, हरि भक्तों के दर्शन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जन करुणा निधान, दीन जन करुणा निधान, ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशत, ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशत, श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु चरण कमल भज मां, श्री गुरु चरण कमल भज मां, श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, कीनो स्पष्ट प्रणाम, कीनो स्पष्ट प्रमाण, तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, सदा श्री हरि नाम रटन, सदा हरि नाम रटन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कमल, श्री गुरु चरण कमल भज मां, श्री गुरु चरण कमल। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रभर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। तदंतर वशिष्ठ जी ने
यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों शिल्पकारों बढ़ईयों भूमि खोदने वालों ज्योतिषियों कारीगरों नटों नर्तिकों विशुद्ध शास्त्र वेताओं तथा बहुशुद्ध पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। बोलो राम कथा की, बोलो वाल्मीकि रामायण की, बोलो वाल्मीकि मुनि जी महाराज की। कहां वाल्मीकि है या नहीं, अंदर को सब गए। बोलो वाल्मीकि ऋषि जी महाराज की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को यहां पर? किसी माता को, किसी भक्त को, किसी बूढ़े को, किसी जवान को कोई प्रश्न? ऐसे करके नीचे करना है, पैक कर। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देव